रहमान रहीम बंदा ना चीज़ असगर सुल्तान माई चैनल इत्माद मैथमेटिक एक्सपर्ट। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। बच्चों हमने सेकंड ईयर की मैथ स्टार्ट की हुई FSC की और हमने इसका होमवर्क स्टार्ट किया है एक्सरसाइज 2.1। बच्चों हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का हमने क्या लिया है होमवर्क। पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये 2 जोज कर लिए थे, अब ये जोज करने हैं हमने 3। और ये क्वेश्चन नंबर 1 से है, फाइंड बाय डेफिनेशन। बच्चों हमने बाय डेफिनेशन मेथड यूज करना है, इसका मतलब क्या, हमने 4-स्टेप मेथड यूज करना है। द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है। बच्चों हम इसका जोज नंबर करेंगे 8, क्वेश्चन नंबर 1 का जोज नंबर 8। एक्स प्लस 4 सारे की पावर 1/3। बच्चों बाय डेफिनेशन का मतलब क्या, 4-स्टेप मेथड करने हैं हमने, 4 स्टेप कंप्लीट करने होते हैं इसके इस क्वेश्चन के अंदर। बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या, फंक्शन को वाई के बराबर लेट करना, एक्स प्लस 4 सारे होल की पावर 1/3। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या, हमारा क्या कर देंगे, फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट कर देंगे, वाई है तो वाई के अंदर इंक्रीमेंट क्या करेंगे, डेल्टा वाई। एक्स के अंदर क्या इंक्रीमेंट करेंगे, डेल्टा एक्स प्लस 4 सारे की पावर 1/3। पहला स्टेप फंक्शन को वाई के बराबर लेट करना, दूसरा स्टेप हमारा क्या, फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट करना, वाई है तो वाई के अंदर क्या इंक्रीमेंट कर देंगे, डेल्टा वाई। एक्स के अंदर क्या इंक्रीमेंट कर देंगे, डेल्टा एक्स प्लस 4 1/3, इसी तरह पावर आ गई। और ये प्लस का वाई है, उस तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का वाई हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 4 सारे होल की पावर 1/3। प्लस का वाई माइनस का वाई, मजीद वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स प्लस 4 को इकट्ठा लिख देंगे, प्लस डेल्टा एक्स को बाद में लिख देंगे, वाई की वैल्यू पुट करेंगे, वाई किसके बराबर है, एक्स प्लस 4 सारे होल की पावर 1/3, इसकी भी पावर 1/3, ये था हमारा डेल्टा वाई के बराबर। अब बच्चों ऊपर पावर आ गई हमारे, पावर किस में आ गई, बटे के अंदर। जो पावर हमारी बटे के अंदर होगी वहां पर हमने कौन सा फार्मूला लगाना होता है, बाइनोमियर सीरीज का। लेकिन बाइनोमियर सीरीज का फार्मूला लगाने के लिए उसकी फर्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए, 1। बच्चों हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 4 हम क्या ले लेंगे, कॉमन, एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 4 के साथ कैंसिल, हमारे पास 1 आ जाएगा प्लस। अब डेल्टा एक्स के साथ एक्स प्लस 4 नहीं है तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा, एक्स प्लस 4 सारे की होल की पावर 1/3 माइनस एक्स प्लस 4 सारे की पावर 1/3, ये था हमारा डेल्टा वाई। अब इस फंक्शन की अलहदा पावर कर देंगे और इस फंक्शन की अलहदा पावर कर देंगे, एक्स प्लस 4 सारे की पावर 1/3 इंटू 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 सारे की पावर 1/3 माइनस एक्स प्लस 4 सारे की पावर 1/3, ये था हमारा डेल्टा वाई। अब इन टू टर्म में से क्या कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस 4 की पावर 1/3 कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस 4 की पावर 1/3 क्या ले लेंगे, कॉमन। हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 सारे की पावर 1/3 माइनस। बच्चों हमने एक्स प्लस 4 की पावर 1/3 हमने ये फंक्शन कॉमन ले लिया, ये फंक्शन इस फंक्शन के साथ कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये था डेल्टा वाई। अब देखो पहली टर्म क्या आ गई हमारे पास, 1, तो इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगेगा, बाइनोमियर सीरीज का। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ जाए, 1, तो वहां पर हमने कौन सा फार्मूला लगाना होता है, बाइनोमियर सीरीज का।
बच्चों बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला क्या है हमारे पास, वन प्लस एक्स सारे की पावर एन इज इक्वल टू वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू फिक्टोरिया एक्स स्क्वायर प्लस वन। बच्चों ये कौन सा फार्मूला है बाइनोमियल सीरीज का, हमने फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 8 के अंदर ये फार्मूला स्टडी किया था। देखो पहली टर्म क्या आ गई वन, तो इसके ऊपर हमने कौन सा फार्मूला लगाना है बच्चों, ये बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला लगाना है। ये डेल्टा वाई इसी तरह इक्वल टू एक्स प्लस फोर की पावर वन बाय थ्री इसी तरह। बच्चों इसके ऊपर हमने कौन सा फार्मूला लगाना है बाइनोमियल सीरीज का, बच्चों ये वाला फार्मूला लगा देना है। वन वन के इक्वल ही आ गया। अब एन, एन हमारा किसके बराबर है, वन बाय थ्री के बराबर है। एन हमारा वन बाय थ्री, एक्स हमारा किसके बराबर है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस फोर के बराबर, डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस फोर के बराबर है। प्लस एन वन बाय थ्री, एन वन बाय थ्री माइनस वन ओवर टू फिक्टोरिया एक्स किसके बराबर है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस फोर के बराबर, ऊपर होल का स्क्वायर प्लस सो वन माइनस वन। बच्चों इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगा दिया, बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला लगा दिया बच्चों ये वाला। एन हमारा वन बाय थ्री के बराबर है और ये वैल्यू किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। इस फार्मूले के अंदर जहां जहां पर एन है वहां पर एन की वैल्यू पुट कर दें, जहां जहां पर एक्स है वहां पर एक्स की वैल्यू पुट कर दें। तो ये जो सा माइनस वन है ये आखिर पे आ गया। ये डेल्टा वाई इसी तरह एक्स प्लस फोर सारे की पावर वन बाय थ्री, प्लस का वन माइनस का वन कैंसल। और बच्चों यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, डेल्टा एक्स कॉमन भी ले लेंगे। क्या बचेगा, वन ओवर थ्री इंटू एक्स प्लस फोर प्लस वन बाय थ्री इंटू वन बाय थ्री माइनस वन ओवर टू फिक्टोरिया, एक डेल्टा एक्स हमने कॉमन ले लिया, एक डेल्टा एक्स बच गया, नीचे एक्स प्लस फोर का स्केयर अलहदा से प्लस सो वन। बच्चों हमने जितना काम किया ये हमने सिंप्लीफिकेशन की है, हमने टू स्टेप कंप्लीट किए। सबसे पहला स्टेप क्या, हमारा फंक्शन को वाई के बराबर लेट करना। दूसरा स्टेप क्या था, फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट करना। जितना ये काम हमने किया ये सिंप्लीफिकेशन के अंदर आ जाता है। अब बच्चों तीसरा स्टेप क्या हमारा, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इस तरफ भी डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स के साथ, एक्स प्लस फोर सारे की पावर वन बाय थ्री डेल्टा एक्स इंटू वन ओवर थ्री इंटू एक्स प्लस फोर प्लस वन बाय थ्री इंटू वन बाय थ्री माइनस वन ओवर टू फिक्टोरिया डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस फोर, ऊपर होल का स्केयर प्लस सो वन, नीचे डिवाइड कर दिया किसके साथ, डेल्टा एक्स के साथ। बच्चों तीसरा स्टेप क्या, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स के साथ, डेल्टा एक्स के साथ कैंसल। क्या बचेगा हमारे पास, एक्स प्लस फोर सारे की पावर वन बाय थ्री इंटू वन ओवर थ्री इंटू एक्स प्लस फोर प्लस वन बाय थ्री इंटू वन बाय थ्री माइनस वन ओवर टू फिक्टोरिया डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस फोर, ऊपर होल का स्क्वायर प्लस वन, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अब चौथा स्टेप क्या हमारा, टेकिंग बाय लिमिट ऑन बोथ साइड। बच्चों क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, टेकिंग बाय लिमिट, कौन सी लिमिट, डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो, हमने ये लिमिट अप्लाई कर देनी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इस तरह भी लिमिट लगा देंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो एक्स प्लस फोर सारे की पावर वन बाय थ्री इंटू वन ओवर थ्री इंटू एक्स प्लस फोर प्लस वन बाय थ्री इंटू वन बाय थ्री माइनस वन ओवर टू फिक्टोरिया डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस फोर, ऊपर होल का स्केयर प्लस वन।
बच्चों क्या करेंगे, दोनों तरफ लिमिट लगा देंगे। ये हमारा था चौथा स्टेप। जब भी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स के साथ लिमिट लग जाए तो बच्चों ये फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा, डेरिवेटिव के अंदर, डी वाई ओवर डी एक्स में चेंज हो जाएगा। अब राइट साइड पे जहां पर डेल्टा एक्स है वहां पर डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर दें, जहां जहां पर डेल्टा एक्स है वहां पर क्या पुट करेंगे, जीरो, क्योंकि डेल्टा एक्स अप्रोच जीरो है। एक्स प्लस फोर सारे की पावर वन बाय थ्री इंटू वन ओवर थ्री इंटू एक्स प्लस फोर प्लस वन ओवर थ्री इंटू वन ओवर थ्री माइनस वन ओवर टू फैक्टोरिया डेल्टा एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे, जीरो। नीचे एक्स प्लस फोर ऊपर होल का स्केयर प्लस वन। यहां पर क्या आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, जहां पर डेल्टा एक्स था वहां पर क्या पुट कर दिया, जीरो। बच्चों जब जीरो को इन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो हमारे पास बच्चों क्या बचेगा, एक्स प्लस फोर की पावर वन बाय थ्री इंटू वन ओवर थ्री इंटू एक्स प्लस फोर। बच्चों यहां पर ये वैल्यू क्या होगी, जीरो। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि जब जीरो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये तमाम टर्म्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बच्चों बेस सेम है, वन ओवर थ्री, इसी तरह एक्स प्लस फोर की पावर कितनी है हमारे पास, वन। बेस सेम है, ये पावर इसके साथ जाके क्या हो जाएगी, माइनस, क्योंकि जब भी ऊपर पावर है पॉजिटिव की, जब इसको नीचे लेके आएंगे तो ये पावर किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो बच्चों ये वन ओवर थ्री इंटू एक्स प्लस फोर, जब इस पावर का एलसीएम ले लेंगे, वन माइनस वन ओवर थ्री, इसका एलसीएम क्या बनेगा, थ्री। अब इस वन का बटा नहीं है, ये थ्री वन के साथ मल्टीप्लाई, थ्री थ्री के साथ कैंसिल वन, तो हमारे पास आ जाएगा टू बाय थ्री, थ्री में से वन निकालेंगे टू आ जाएगा, नीचे था थ्री, टू बाय थ्री। ये था बच्चों हमारा फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर वन का जोज नंबर एट। अब बच्चों इसका जोज नंबर ट्वेल्व करेंगे। जोज नंबर ट्वेल्व, वन ओवर एक्स की पावर एम, वन ओवर एक्स की पावर एम, लेकिन हमने कौन सा मेथड यूज करना है, फाइंड बाय डेफिनेशन मेथड, मतलब हमने फोर स्टेप मेथड करना है। बच्चों हमने इसके फोर स्टेप कंप्लीट करने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या, फंक्शन को वाई के बराबर लेट करना, वाई के बराबर लेट कर देंगे, और ये पावर किसके अंदर, नीचे वेरिएबल का डेरिवेटिव नहीं लिया जा सकता, इसीलिए ये पावर ऊपर चली जाएगी, एक्स की पावर माइनस एम हो जाएगी। वाई के बराबर लेट भी कर दिया और ये पावर पॉजिटिव की है, जब इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर किस में हो जाएगी, नेगेटिव की। पहला स्टेप फंक्शन को वाई के बराबर लेट करना, दूसरा स्टेप क्या था, फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट करना, वाई के अंदर इंक्रीमेंट क्या करेंगे, डेल्टा वाई, एक्स के अंदर इंक्रीमेंट क्या करेंगे, डेल्टा एक्स, ऊपर पावर माइनस एम, और वाई इधर क्या हो रहा है, प्लस, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस, उस तरफ जाके वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स ऊपर पावर माइनस एम, वाई उस तरफ जाके माइनस हो गया। मजीद वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, मजीद क्या करेंगे बच्चों, वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, वाई किसके इक्वल है, एक्स की पावर माइनस एम के इक्वल है। अब पावर किसके अंदर आ गई, नेगेटिव के अंदर आ गई, तो इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, बाइनोमियर सीरीज का, लेकिन बाइनोमियर सीरीज का फार्मूला लगाने से पहले उसकी फर्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए, वन, हमें इसकी फर्स्ट टर्म क्या बनानी है, वन बनानी है। यहां से इस फंक्शन में से एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, वन प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स सारे की होल की पावर माइनस एम माइनस एक्स की पावर माइनस एम। बच्चों इन टू टर्म में से x कॉमन ले लेंगे तो x x के साथ कैंसिल वन आ गया, इसके साथ x मौजूद नहीं था तो इसके नीचे डिवाइड के अंदर आ गया।
अब इसकी इस फंक्शन की इस एक्स की पावर लैदा कर देंगे माइनस एम इंटू वन प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर लैदा कर देंगे माइनस एम, दोनों के ऊपर अलहदा अलहदा से पावर लिख देंगे, माइनस एक्स की पावर माइनस एम डेल्टा वाई डेल्टा वाई। अब यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स की पावर माइनस एम कॉमन ले लेंगे, तो वन प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स सारे की पावर माइनस एम माइनस वन। बच्चों एक्स की पावर माइनस एम हमने कॉमन ले ली तो ये वैल्यू बच गई और ये एक्स एक्स के साथ कैंसिल होके यहां पर माइनस वन आ गया। अब देखो पहली टर्म क्या आ गई, वन, तो इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगेगा, बाइनोमियल सीरीज का। बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला क्या हमारा, वन प्लस एक्स सारे की पावर एम एन इज इक्वल टू वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू फिक्टोरिया एक्स स्क्वायर प्लस सो वन। और ये कौन सा फार्मूला, बाइनोमियल सीरीज का, क्योंकि इसकी फर्स्ट टर्म क्या आ गई हमारे पास, वन। देखो इसकी भी फर्स्ट टर्म वन ही है, तो इसके ऊपर कौन सा फार्मूला अप्लाई कर देंगे, बाइनोमियल सीरीज का। बच्चों ये डेल्टा डेल्टा वाई इसी तरह इज इक्वल टू, अब एक्स की पावर माइनस एम इसी तरह, अब इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगा देंगे, बाइनोमियल सीरीज का, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। अब वन वन के इक्वल ही आ गया प्लस, अब एन एन के हमारे पास माइनस एम, एन की वैल्यू माइनस एम एक्स। बच्चों एक्स किसके बराबर है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स के बराबर, डेल्टा एक्स ओवर एक्स के बराबर प्लस माइनस एन माइनस एम माइनस वन ओवर टू फिक्टोरिया डेल्टा एक्स का स्केयर अलहदा से कर देंगे, नीचे वाला एक्स स्केयर अलहदा कर देंगे माइनस वन। बच्चों इसके ऊपर हमने कौन सा फार्मूला लगा दिया, बाइनोमियल सीरीज का लगा दिया, वन एन हमारा माइनस एम के बराबर है और एक्स हमारा डेल्टा एक्स ओवर एक्स के बराबर है, इसके ऊपर हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो ये माइनस वन, ये आखिर वाला इसी तरह, प्लस का वन माइनस का वन कैंसल, तुम्हारे पास एक्स की पावर माइनस एम माइनस एम डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस माइनस एम, बच्चों यहां पर भी ब्रैकेट लिखें, माइनस एम माइनस वन ओवर टू फिक्टोरिया डेल्टा एक्स का स्केयर नीचे एक्स का स्केयर प्लस वन डेल्टा वाई। बच्चों हमारा अब तीसरा स्टेप क्या है, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड। बच्चों क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इस तरफ भी डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स के साथ एक्स की पावर माइनस एम। बच्चों यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, डेल्टा एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, माइनस एम ओवर एक्स प्लस माइनस एम इंटू माइनस एम माइनस वन डेल्टा एक्स। बच्चों एक डेल्टा एक्स हमने कॉमन ले लिया, नीचे क्या था एक्स स्क्वायर प्लस सो वन, यहां पर था टू फिक्टोरिया। हमने डिवाइडिंग बाय क्या करना है, डेल्टा एक्स, इस तरफ भी डिवाइड कर दिया डेल्टा एक्स के साथ, इस तरफ भी डिवाइड कर दिया डेल्टा एक्स के साथ, ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स के साथ कैंसल, एक्स की पावर माइनस एम माइनस एम ओवर एक्स प्लस माइनस एम इंटू माइनस एम माइनस वन ओवर टू फिक्टोरिया डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। बच्चों अब हमारा चौथा स्टेप क्या है, टेकिंग बाय लिमिट ऑन बोथ साइड, टेकिंग बाय लिमिट, कौन सी लिमिट लगानी है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो। बच्चों डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो हमने क्या कर देनी है, लिमिट अप्लाई कर देनी है, इस तरह भी लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स की पावर माइनस एम लिमिट लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो एक्स की पावर माइनस एम इंटू माइनस एम ओवर एक्स प्लस माइनस एम इंटू माइनस एम माइनस वन ओवर टू फिक्टोरिया डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सो वन। बच्चों ये प्लस सो वन साथ ही रखना है,
जब भी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स के साथ लिमिट अप्लाई कर जाए तो बच्चों ये किस में चेंज हो जाएगी, डेरिवेटिव के अंदर डी वाई ओवर डी एक्स में चेंज हो जाएगी। बच्चों ये जो उनसी वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, डी वाई ओवर डी एक्स के अंदर। अब जहां जहां पर डेल्टा एक्स है वहां पर क्या पुट करेंगे, जीरो, क्योंकि डेल्टा एक्स किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। एक्स की पावर माइनस एम ओवर एक्स प्लस माइनस एम इंटू माइनस एम माइनस वन ओवर टू फिक्टोरिया, डेल्टा एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे, जीरो एक्स स्क्वायर प्लस सो वन। बच्चों इस तरफ क्या आ गया हमारा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर माइनस एम इंटू माइनस एम ओवर एक्स प्लस, जब ये इस जीरो को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म्स क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहां पर क्या आ जाएगा आंसर, जीरो। अब बेस सेम है, ये माइनस एम इसी तरह आ गया, बच्चों यहां पर एक्स है इसके अंदर भी है, इसकी पावर वन है और ये पावर नेगेटिव की है, नेगेटिव की है, नीचे आगे पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की, वन प्लस कर देंगे पावर एम। बच्चों ये माइनस का एम है, ये पावर नेगेटिव की है, इसके साथ जाके पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की, लेकिन बेस एक रह जाएगी, डी वाई ओवर डी एक्स। ये था बच्चों हमारा फाइनल आंसर, ये था बच्चों होमवर्क का क्वेश्चन जोज नंबर 12। अब करेंगे जोज नंबर 14। जोज नंबर 14, एक्स की पावर माइनस 100। बच्चों हमने ये फाइंड बाय डेफिनेशन, बच्चों बाय डेफिनेशन मेथड के साथ करना ये क्वेश्चन। बाय डेफिनेशन का मतलब क्या, हमने फोर स्टेप मेथड यूज करना है, हमने कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, फोर स्टेप। बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या, फंक्शन को वाई के बराबर लेट करना। दूसरा स्टेप क्या था, फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट करना, वाई है तो वाई में इंक्रीमेंट करेंगे डेल्टा वाई, एक्स के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे डेल्टा एक्स होल की पावर माइनस 100। और वाई इधर क्या हो रहा है, प्लस, उस तरफ जाके वाई क्या हो जाएगा, माइनस। वाई इधर प्लस, उस तरफ जाके वाई माइनस हो गया। मजीद वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, मजीद वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू किसके बराबर है, x की पावर माइनस 100 के बराबर है डेल्टा y। अब बच्चों इसके ऊपर देखो, ऊपर पावर किसके अंदर आ गई, नेगेटिव के अंदर, तो इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगेगा, बाइनोमियर सीरीज का। लेकिन बाइनोमियर सीरीज का फार्मूला की पहली शर्त ये है, यहां पर क्या होना चाहिए, वन, फर्स्ट टर्म इसकी क्या होनी चाहिए, वन। इसके ऊपर बाइनोमियर सीरीज का फार्मूला नहीं लगा सकते। अब क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x x के साथ कैंसिल, वन आ गया। अब ये डेल्टा x इसके इसके साथ x नहीं मौजूद, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बच्चों इसके साथ x मौजूद नहीं है तो इसीलिए डिवाइड के अंदर आ जाएगा, माइनस 100, माइनस x की पावर माइनस 100 डेल्टा y। अब x की पावर अलहदा कर देंगे, वन प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर लैदा कर देंगे, माइनस 100, एक्स की पावर माइनस 100 डेल्टा वाई, एक्स की पावर लैदा कर देंगे, इस फंक्शन की पावर अलहदा कर देंगे। अब बच्चों इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स की पावर माइनस 100 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, वन प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर माइनस 100, यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस वन। बच्चों x की पावर माइनस 100 के साथ कैंसल, ये वैल्यू भी कैंसिल, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, वन, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी डेल्टा y। अब देखो हमारे पास पहली टर्म क्या आ गई, वन, तो इसके ऊपर कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, बाइनोमियर सीरीज का। बाइनोमियर सीरीज का फार्मूला क्या, वन प्लस एक्स सारे की पावर n इज इक्वल टू वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू फिक्टोरिया एक्स स्क्वायर प्लस सो वन।
ये कौन सा फार्मूला है बाइनोमियल सीरीज का? ये डेल्टा वाई इसी तरह इज इक्वल टू, बच्चे ये फार्मूला है एक्स की पावर माइनस 100 इसी तरह। बच्चों इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगा देंगे बाइनोमियल सीरीज का? 1 1 के इक्वल ही आ गया प्लस एन, एन हमारा किसके बराबर है माइनस 100 के बराबर है, माइनस 100 प्लस एक्स, साथ क्या एक्स, एक्स एन एक्स, एन की वैल्यू माइनस 100 के बराबर है, एक्स हमारा किसके बराबर है कंपैरिजन करें इसका, डेल्टा एक्स ओवर एक्स के बराबर है, एक्स की वैल्यू डेल्टा एक्स ओवर एक्स के इक्वल प्लस एन हमारा माइनस 100 माइनस 100 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरिया एक्स ओवर डेल्टा एक्स ओवर एक्स ऊपर होल का स्केयर प्लस 101 माइनस 1। बच्चों इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगा दिया बाइनोमियल सीरीज का? एन हमारा माइनस 100 के बराबर है और एक्स हमारा डेल्टा एक्स ओवर एक्स के इक्वल है। तो जहां जहां पर इस फार्मूले के अंदर जहां जहां पर एन है वहां पर एन की वैल्यू पुट कर देंगे, जहां जहां पर एक्स है वहां पर एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। प्लस का 1 ये माइनस का 1 के साथ कैंसिल। बच्चों ये जो सा आखिर पे माइनस था वो साथ इसी तरह लिख दिया, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल। तो हमारे पास एक्स की पावर माइनस 100 माइनस 100 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस माइनस 100 माइनस 100 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरिया डेल्टा एक्स का स्केयर अलहदा कर देंगे और नीचे एक्स स्केयर अलहदा कर देंगे प्लस 1 डेल्टा वाई। अब क्या यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक डेल्टा एक्स कॉमन ले लेंगे। बच्चों क्या ले लेंगे, एक्स की पावर माइनस 100 क्या कॉमन ले लेंगे डेल्टा एक्स। बच्चों एक डेल्टा एक्स इन टू टर्म में से क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, माइनस 100 ओवर एक्स प्लस माइनस 100 माइनस 100 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरिया डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। बच्चों एक डेल्टा एक्स हमने कॉमन ले लिया, यहां पर क्या बचेगा, एक डेल्टा एक्स बच जाएगा डेल्टा वाई। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या है, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड। बच्चों क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स इस तरफ भी डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स के साथ, एक्स की पावर माइनस 100 डेल्टा एक्स इंटू माइनस 100 ओवर एक्स प्लस माइनस 100 माइनस 100 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरिया डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी है। नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किसके साथ, डेल्टा एक्स के साथ। तीसरा स्टेप क्या था, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स, इस तरफ भी डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स के साथ, इस तरफ भी डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स के साथ, ये डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल, एक्स की पावर माइनस 100 माइनस 100 ओवर एक्स प्लस माइनस 100 माइनस 100 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरिया डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। बच्चों अब हमारा चौथा स्टेप क्या है, टेकिंग बाय लिमिट ऑन बोथ साइड। बच्चों क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, टेकिंग बाय लिमिट, कौन सी लिमिट लगानी है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0। बच्चों डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 इस तरह भी लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 एक्स की पावर माइनस 100 माइनस 100 ओवर एक्स प्लस माइनस 100 माइनस 100 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरिया डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब भी डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स के साथ लिमिट लग जाए तो बच्चों ये किस में चेंज हो जाएगा, डेरिवेटिव के अंदर, डी वाई ओवर डी एक्स में चेंज हो जाएगा। अब इसके अंदर जहां जहां पर डेल्टा एक्स है वहां पर क्या पुट कर देंगे, जीरो लिमिट अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, एक्स की पावर माइनस 100 माइनस 100 ओवर एक्स प्लस माइनस 100 माइनस 100 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरिया डेल्टा एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे, जीरो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1।
जहां जहां पर डेल्टा एक्स था तो वहां पर क्या पुट कर दिया, जीरो। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर माइनस हंड्रेड ओवर एक्स। बच्चों जब जीरो को इनके साथ इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, जीरो। ये तमाम वैल्यू क्या होगी, जीरो। एक्स की पावर माइनस हंड्रेड ओवर एक्स। बच्चों बेस सेम है और ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आके पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की, -100 ओवर एक्स। इस एक्स की पावर 1 है, ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आके पावर है पॉजिटिव की होगी, बेस एक रह जाएगी। एक्स की पावर -100 ओवर एक्स की पावर 101। बच्चों 1 में प्लस करेंगे 100 तो हमारे पास 101 आ जाएगा, एक्स की पावर 101। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखना।